एक ऐसा देश है जिसने विविध संस्कृति के रंगों को अपने दामन में समेट रखा है और भारत का दिल है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश वो प्रांत है जिसे प्रकृति ने उन्मुक्त हाथों से समृद्धि विरासत में दी है और शाजापुर मध्य प्रदेश का एक मुख्य जिला होने का दर्जा रखता है। मालवा की गौरवशाली मिट्टी की सुगंध बरबस ही हमें शाजापुर की ओर आकर्षित करती है, तो बस हम भी तैयार हो गए और निकल पड़े राजधानी भोपाल से अपने दल के साथ शाजापुर के लिए। खुशनुमा मौसम और ठंडी बयार से मन प्रफुल्लित हो गया। रास्तों को हम सफर बनाकर हम बढ़े चले जा रहे थे। घने जंगलों से जहां ऊंचे हरे भरे वृक्ष और पर्वत पठारों की श्रृंखला अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहे थे, ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे कोई सुंदरी हरा श्रृंगार किए हमारे स्वागत के लिए आतुर है। श्याम वर्णी सड़कों के घुमाव हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा दे रहे थे। चलते चलते आखिरकार हम अपने पड़ाव के नजदीक पहुँच ही गए और प्रवेश कर गए शाजापुर में। शाजापुर एक ऐसा जिला जिसने धीरे धीरे आधुनिकता की रफ्तार को आत्मसात करने का हुनर सीख लिया है। साधारण ग्रामीण लोग खेती किसानी के काम से ही अपना जीवन यापन करते हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं ने यहाँ के जनमानस का जीवन स्तर सहूलियतों भरा कर दिया है, जिसकी स्पष्ट झलक यहाँ के वाशिंदों के चेहरों पर रौनक के तौर पर दिखती है। शाजापुर का नाम पहले शाहजहांपुर था, जो बाद में अपभ्रंश होकर शाजापुर हो गया। दिशा सूचक यंत्र ने हमारा मार्गदर्शन कर ही दिया, क्योंकि हमें तो पहुंचना था शाजापुर के गोपीपुर गांव में। जी हाँ, किसी ने क्या खूब कहा है कि हौसलों में उड़ान हो तो आकाश भी कम पड़ता है। ऐसे ही बुलंद हौसलों और जुनून के धनी हैं गोपीपुर गांव के एक उन्नतशील प्रगतिवान किसान श्री जितेंद्र पाटीदार। जिन्होंने अपनी मेहनत और दृढ़ इच्छा शक्ति के बूते न केवल कृषि कार्यों में महारत हासिल की है, बल्कि पूरे प्रदेश के किसानों के लिए वो प्रेरणा पुंज भी हैं। पानी की कमी की समस्या को उन्होंने अपने विवेक से हल कर लिया है। आधुनिक तकनीक का उपयोग करके उन्होंने अपने खेती के काम किए हैं और बन गए समृद्धशाली उन्नतशील किसान। हम लोगों की खेती में सबसे बड़ी समस्या पानी की थी, तो उसके लिए जितेंद्र को
जगह जगह जानकारी लेकर के हमने डबरी का निर्माण किया, और इस डबरी निर्माण के बाद में हमारी पानी की जो सिंचाई की प्रॉब्लम थी वो लगभग 100% समाप्त हो गई, और इस डबरी के पानी से हम लोग गर्मी में बैसाख महीने में भी पानी ले पाते हैं, और इस डबरी का जो सिंचाई का एरिया है वो लगभग 50-60 बीघे में हम लोगों को इरीगेशन का लाभ मिल रहा है। जनवरी से लगा करके मई जून तक हम लोगों के पास पानी 24 घंटे उपलब्ध रहता है, और सोलर पंप और इस डबरी की वजह से हम लोग कभी भी कहीं पर भी किसी भी समय पर खेती कर सकते हैं। इस पानी की सिंचाई से हमारी 50-60 बीघा खेती जो है आराम से अब हम लोग बिना संकट के उत्पादन ले रहे हैं। उपज के भाव ताव, आवक का हाल चाल, आयात निर्यात पर पैनी नजर, जानकारों की सटीक सलाह, सिर्फ मंडी खबर में सोमवार से शनिवार सुबह 8:05 पर। जब जल संकट विश्व की सबसे बड़ी समस्या है, तब ऐसे नाजुक वक्त में ज्यादा सिंचाई वाली फसलों में ड्रिप इरिगेशन सिस्टम के जरिए अच्छा खासा उत्पादन प्राप्त किया है जितेंद्र ने। पानी का सही उपयोग करने के लिए जितेंद्र ने अपने खेत में ही लगभग 2,50,00,000 लीटर जल संग्रहण क्षमता का 500 माइक्रोन के पॉलिथीन की सहायता से एक कृत्रिम तालाब का निर्माण करने की योजना बनाई थी। इस तालाब में बरसात के पानी को संचित करने का पूरा बंदोबस्त किया गया ताकि बारिश का पानी बर्बाद ना हो और वो आगे चलकर काम आ सके। सोलर वाटर पंप की सहायता से पहले कुएं में पानी भर दिया जाता है ताकि वक्त पड़ने पर उसका उपयोग किया जा सके। गुरुत्वाकर्षण शक्ति की विधि का प्रयोग करके बिना किसी मानव श्रम के केवल एक सौर ऊर्जा से संचालित सोलर मोटर पंप की सहायता से पानी का वितरण खेतों में किया जाता है। ना कोई बिजली का प्रयोग होता है, ना किसी तरह से कोई मानवीय श्रम का प्रयोग किया जाता है। कहने का मतलब ये कि सिंचाई प्रक्रिया बिना किसी ऊर्जा के खपत के सारा काम करती है, यानी कि स्वचलित कार्यविधि। और हाँ, ये सिस्टम पूरा जितेंद्र ने स्वयं अपनी बुद्धि और आवश्यकता के अनुसार विकसित किया है, जो जीरो एनर्जी इरिगेशन सिस्टम कहलाता है। वाकई काबिले तारीफ काम है और एक आदर्श भी। एग्रीकल्चर, जैसे आपने देखा कि किसान के लिए नेगेटिव होता जा रहा है, जहाँ जहाँ आप देख रहे हैं कि कहीं पानी नहीं है, कहीं लेबर नहीं है, हर तरह की समस्या है। भैया ने उसी चीज़ को फोकस में रखते हुए पानी को लेके, लेबर को लेके कैसे मेन पावर मिनिमाइज़ किया जाए और टेक्नोलॉजी को एग्रीकल्चर के अंदर यूज़ करते हुए कैसे बेनिफिट लिया जाए, उसी के ऊपर मेन फोकस रहा है। आलू को लेके अब देखें कि ऑटोमेटिक प्लांटर हमने डेवलप किया, खुद उसको रिसर्च फील्ड पर अप्लाई किया, क्या कमियाँ हैं उसमें उनको रेक्टिफाई किया, और उसको कितना बेहतर हम उपयोग ले सकें वो उपयोग लेते हुए हमने मैन पावर को कम किया, और टेक्नोलॉजी का फ़ायदा लेते हुए हमने अपना प्रोडक्शन बढ़ाया, जिससे खेती एक नुकसान का धंधा नहीं रहे, खेती एक लाभ का धंधा बन जाए। सोलर एनर्जी सिस्टम लगा रखा है इन्होंने वाटर टैंक के ऊपर, तो उससे क्या होता है कि जो कन्वेंशनल जो एनर्जी है, परंपरागत जो एनर्जी हमें जो नेचर से मिलती है सौर ऊर्जा, उसका इस्तेमाल इन्होंने बैटरी स्टोरेज में करंट को किया, और उसके थ्रू जो है वाटर टैंक से पानी निकाल के जो पास वाला जो कुआं है उसमें डालकर, फिर ये हमारे जो 5 कुएं हैं टोटल हमारे पूरे फार्म हाउस पे, उस पर स्प्रेड करके जो डिफरेंट डिफरेंट जो हमारे खेत हैं उनके ऊपर जो है उसको यूज़ किया, तो एक पूरी तरीके से ये एकदम ज़ीरो ऊर्जा सिस्टम है, जिसमें मतलब ऊर्जा का मतलब प्राकृतिक जो मैन मेड जो ऊर्जा है मतलब उसका किसी प्रकार से कोई यूज़ नहीं है। तो इससे क्या होता है, एक तो पैसे की बचत होती है, दूसरा आपको लेबर की ज़रूरत नहीं लगती है, और इस वजह से जो है टोटल जो कॉस्ट है पूरी खेती करने की वो एकदम कम हो जाती है,
जिससे जो है मुनाफा बढ़ता है। और जो मेरे बड़े भैया हैं जितेंद्र पाटीदार, वो बहुत ही प्रोग्रेसिव किसान है जिले के, और उनके पीछे जो आधार है वो हमारे बड़े पापा का ही है। जितेंद्र पाटीदार ने अपनी शिक्षा का भरपूर उपयोग किया अपनी कृषि में। कस्टम हायरिंग केंद्र की भी स्थापना की है जितेंद्र ने। कृषि क्षेत्र में शासन की योजनाओं का लाभ उठाकर अपने फार्म हाउस में आधुनिक कृषि यंत्रों का उपयोग स्वयं तो करते ही हैं, साथ ही साथ अन्य किसानों की सुविधा के लिए वे उपकरणों को उपलब्ध भी कराते हैं। आलू प्लांटर का पुनर्निर्माण अपनी सहूलियत के लिए उन्होंने किया, जिससे वो मजदूर से मुक्त हार्वेस्टिंग करते हैं और सुरक्षित भरपूर आलू की खेती करते हैं, जो उनका शुद्ध लाभ होता है। आलू, लहसुन, प्याज वे सफल उत्पादन करते हैं और उसका पूरा मुनाफा कमाते हैं। आलू, प्याज और लहसुन में जो ड्रिप का हमारा आलू है, वो जो डिज़ाइन है वो भी हम काफ़ी मशीनी तरीक़ों से उसको करते हैं। जैसे कि सामान्य जो आलू की सीड्रिल है उसमें करीब 4 मज़दूरों को बिठा के और खेत में लगाते हैं, तो वो दिन भर में जितना काम कर पाती है वो बहुत ही एक ज़्यादा मात्रा में आलू की खेती करने के लिए वो पर्याप्त नहीं था। तो हमने ऑटोमेटिक आलू प्लांटर का यूज़ किया, जिसमें किसी भी मज़दूर की ज़रूरत नहीं होती, और वो लगभग दिन भर अगर उसे चलाया जाए तो वो 3 हेक्टेयर ज़मीन में आलू की बुआई कर देता है। जितेंद्र पाटीदार ने निकट के कृषि विज्ञान केंद्र के कृषि वैज्ञानिकों से सतत संपर्क रखा। वरिष्ठ वैज्ञानिकों के मार्गदर्शन में जब पानी बचाओ और जल संरक्षण के उन्होंने उपाय किए, तब तालाब का निर्माण हो गया और आधुनिक ड्रिप सिस्टम से फसलों पर प्रयोग हुए तो परिणाम चौंकाने वाले थे, जिन्होंने प्रगति के नए आयाम बनाए और समृद्धि की नवीन राहें सुनिश्चित कर दी। कृषि विज्ञान केंद्र की सभी एक्टिविटी, चाहे प्रशिक्षण हो चाहे हमारे यहाँ के प्रदर्शन हो, उन सब मैं इनकी पूरी तरह से रुचि रहती है, और जो भी अनुसंधान के नए नए प्रयोग हैं वो यहाँ के खेतों पर ये संपन्न करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, हम लोग यहाँ पर जो इनका फार्म पोंड बना हुआ है, इस फार्म पोंड की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि ये लगभग ये मान के चलिए कि इसमें 2,60,00,000 लीटर इसमें पानी संग्रहित है। ड्रिप इरीगेशन, स्प्रिंकलर सिंचाई, इसका प्रयोग निरंतर कर ही रहे हैं। इसके बाद भी इनकी खेती में पानी की पूर्ति नहीं हो पा रही थी, इसी के लिए इन्होंने जो हमारे अनुसंधान कृषि विज्ञान केंद्र और जो नए अनुसंधान केंद्र जो महाराष्ट्र में है, जहाँ पर भी इस तरह की तकनीक प्रचलित में है, वहाँ पर उन्होंने भ्रमण किया, उसको देख करके उन्होंने ये जो तालाब है इसका निर्माण किया हुआ है। ये तालाब लगभग 15 फीट गहरा है, 15 फीट ही ऊपर है, और इसके कारण इसमें काफ़ी गहरा है, इसके कारण इसमें जो पानी है जो बाष्पीकृत होकर जाता है उसमें बाष्पीकरण लाश भी कम होता है, और इसके कारण इसकी गहराई पर काफ़ी ज़्यादा है, और पानी इकट्ठा होने के बाद में ग्रेविटी सिस्टम से ये लोग इसमें सिंचाई कर रहे हैं। इसके अलावा गर्मी में भी इनका प्लान रहता है कि गर्मी की जो फसल है, चाहे उन्नत वैरायटी मूंग की हो, उसको भी लेने का ये प्रयास कर रहे हैं। इस तरह के ही इन्होंने जो हमारे पूरे ज़िले के लिए जीतन पाटीदार जी जल प्रबंधन और जो हमारा उन्नत कृषि यंत्रों के बारे में हमारे किसानों के लिए एक आदर्श उदाहरण प्रस्तुत किया है। यहाँ पर हमारे सभी जिले के जो भी किसान हैं, जिले के बाहर भी किसान भी यहाँ पर इस तकनीक को देखने के लिए निरंतर आ रहे हैं। हमारे जिलाधीश महोदय के भी यहाँ पर भ्रमण हो गया है। हम लोग निरंतर ये प्रयास कर रहे हैं इस तरह की तकनीक जिले के और जिले के बाहर के ज़्यादा से ज़्यादा किसान अपनाएं, जिससे कि जल प्रबंधन की उन्नत तकनीक ज़्यादा से ज़्यादा किसानों के बीच में पहुँच सके। जितेंद्र के कामों से घर वाले तो बेहद खुश हैं, साथ ही साथ गाँव वालों के लिए भी वो एक आदर्श बन गए हैं। जो कभी केवल पारंपरिक तरीकों पर निर्भर रहते थे, वो किसान भी अब प्रयोग करने के लिए तैयार हैं। प्रशंसा करते थकते नहीं हैं लोग, बेहद उत्साहित होकर खेती और काम देखने आते हैं उनका। और हाँ, जितेंद्र भी पूर्ण आत्मीयता के साथ उनका पूरा सहयोग देते हैं। यहाँ पर जब जब प्रशिक्षण होते हैं, कृषि विभाग के माध्यम से हों चाहे कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से हों, इनका पूर्ण रूप से ये उसमें रुचि लेकर भाग लेते हैं, और वैज्ञानिक महोदयों द्वारा बताई गई तकनीक एवं कृषि विभाग के अधिकारी कर्मचारियों द्वारा
बताई गई तकनीक का पूर्ण पालन करते हुए ये उन्नत खेती कर रहे हैं। इन्होंने जल प्रबंधन के रूप में एक फार्म पोंड, जिसे हम तालाब भी कह सकते हैं, इस तरह का पॉलीथीन की सीट बिछाकर अंदर तालाब का निर्माण किया है। इनके पास कस्टम हायरिंग केंद्र भी है, जिसमें विभिन्न प्रकार के कृषि यंत्र हैं। उन कृषि यंत्रों का लाभ दूसरे किसान भाई भी उठा रहे हैं। रफ्तार के साथ मौसम के बदलाव की हर खबर, मौसम खबर लाइव देखिए सुबह 8 बजे और 10 बजे, दोपहर 12 बजे और 2 बजे। जितेंद्र ने फसलों का जो उत्पादन किया उसे सीधे तौर पर विक्रय ना करके उनका बीज के रूप में उपयोग किया और शासकीय बीज निगम को बेचा है, जिसे सीधे संवर्धन मूल्य की प्राप्ति होने से उन्हें ज्यादा लाभ मिलता गया। तो इस तरह सही प्रबंधन, तकनीकी प्रशिक्षण और वैज्ञानिकों के मार्गदर्शन के सहारे जितेंद्र ने खेती किसानी के कामकाज को एक हाईटेक रूप प्रदान कर लिया। आज गोपीपुर के जितेंद्र के खेत का ये तालाब कृषि के सफलतम प्रयोगों का एक बेहतरीन नमूना है, एक ऐसा पुरस्कार जिसने जल संरक्षण और पर्यावरण संरक्षण का जन जागरण अभियान के संकल्प को साकार रूप दिया है। कामयाबी की एक जीवंत मिसाल कायम की है। जो गोपीपुर के किसान है हमारे, वो तालाब भी बनाए हैं और इससे इन्हें ये सहूलियत होती है कि जब बारिश की स्थिति या स्ट्रेस आते हैं तो जो बीज उत्पादन लेते हैं तो उसमें नुकसान नहीं हो पाता। जो भी नई किस्में आती हैं, जैसे कि सोयाबीन में GS 2034 है, 2029 है, अभी RVS 18 है, इन्होंने भी इसका बीज उत्पादन किया। साथ में न केवल सोयाबीन बल्कि जो है मूँग और उड़द, मूँग में जैसे नई किस्में हैं, विराट है, शिखा है, इसके अलावा उड़द में जो सबसे पॉपुलर जाति है उसका भी ये बीज उत्पादन करते हैं। इसी प्रकार जैसे कि RVU 38 है ना, इसी प्रकार से रबी में, चूँकि इनके पास पानी है, तो ये गेहूं की नई किस्में जो कि अभी अनुसंधान केंद्र से विकसित हुई हैं, जैसे कि पूसा उजाला है, पूसा तेजस है, चूँकि पूसा तेजस को 4 से 6 पानी चाहिए और जो क्षेत्र में पानी की बहुत कमी है, तो जो इनने तालाब का निर्माण किया है उसके द्वारा वो 6 पानी दे देते हैं और इससे उत्पादन क्षमता लगभग जो है 60 से 65 क्विंटल प्रति हेक्टेयर ये प्राप्त करते हैं। इसी प्रकार से जो नई किस्म पूसा उजाला है, इसको 3 से 4 पानी चाहिए, तो इससे भी अच्छा उत्पादन लेकर और बीज उत्पादन में आगे बढ़े हैं। इसी प्रकार से जो है जैसे कि काबुली चना है, काबुली चना में यदि 2 पानी दे दिया जाए तो उत्पादन क्षमता 20 से 25 क्विंटल प्रति हेक्टेयर प्राप्त होती है। तो नई किस्में हैं जैसे कि RVG 101 है, या आपका PKV 4 है, या Phule Ji 517, ये नई किस्मों का बीज उत्पादन साथ साथ करते हैं, इससे कि हमारे क्षेत्र के किसानों को नए बीज की उपलब्धता बराबर बनी रहती है। साथ ही इनका भी जो है आमदनी, जिसको हम कहते हैं कि किसान को आमदनी जरूर बढ़ाना है, क्योंकि यदि सामान्य अनाज पैदा करते हैं तो उससे उनको बहुत कम कीमत मिलती है, लेकिन जब ये बीज उत्पादन करते हैं तो सारे इनपुट्स वही लगते हैं, थोड़ी सी उसकी देख रेख और हम लोगों को संपर्क, जैसे कि बीज से अलगाव की दूरी या जो भी रोगिंग की है उसमें हम लोग सहायता करते हैं, जिससे कि उसी अनाज का उन्हें अच्छा बीज के रूप में दाम मिलता है। इस प्रकार से ये दिनों दिन वृद्धि कर रहे और क्षेत्र के किसानों की भी सेवा कर रहे, जिससे कि किसानों को अच्छी किस्मों का बीज व अच्छी प्रजातियां समय समय पर उपलब्ध होती रहती हैं। अभी तो बहुत कुछ करना बाकी है, ये तो आगाज है सफर एक कामयाबी का, फासले तो बहुत तय करना बाकी है, ना रुकेंगे ना थमेंगे, कदमों में अभी तो बहुत जान बाकी है। रंग लाई उनकी मेहनत, उमंग में दिखा उनका जुनून और सीखने का हौसला, जी हाँ, जिससे जितेंद्र ने खेती के पारंपरिक व्यवसाय को आधुनिक स्तर के मुनाफे का व्यवसाय बना लिया। समृद्ध और उन्नतिशील प्रगतिवान किसान बन गए जितेंद्र पाटीदार, जिसकी मधुर गूंज सबको सुनाई देती है।
समाणी